नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को तगड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने मामले में इन तीनों सहित 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। हालांकि इनमें से 3 का निधन हो चुका है, तो अब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत ने 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आखिर मामला था क्या जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना। विध्वंस का मामला दरअसल 6 दिसंबर 1992 का है, जब हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। सीबीआई ने कोर्ट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि रायबरेली की कोर्ट में चल रहे मामले को भी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर ज्वाइंट ट्रायल चलाया जाए। 6 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नरीमन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले के कई आरोपी पहले ही मर चुके हैं और ऐसे ही देरी होती है।